हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ आज की नशित में हम आपको बताएंगे कि क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से क्या मुराद है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसे रिसर्च के अंदर किस तरह से यूज करते हैं जी वेलकम बैक नाजरीन आज की हमारी नशित का मौजू है क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आज की गुफ्तु में हम आपको बताएंगे क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं

डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कि उसमें क्या चेंज आती है और जिस वेरिएबल का हम इफेक्ट देखना चाहते हैं सिर्फ उसी को मैयर करते हैं बाकी जो वेरिएबल होते हैं जिनको हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स कहते हैं ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो मौजूद होते हैं लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते जिनको हम मैयर नहीं करना चाहते इनको हम कंट्रोल करते हैं तो गोल क्या होता है जी क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का द गोल इज़ टू इस्टबलिश अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमारा जो बुनियादी मकसद होता है बाय यूजिंग क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो हम ये करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान काज एंड इफेक्ट का जो ताल्लुक़ है वो इस्टेब्लिश करते हैं दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है उसका सबब सिर्फ़ और सिर्फ वो चेंज है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आती है यानी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से आती है उसकी कोई और वजह नहीं होती या कोई और, या कोई और जो वेरिएबल है उसका जिम्मेदार नहीं होता है कंपोनेंट्स ऑफ ए क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सबसे पहले uh, जो है वो रैंडम uh, असाइनमेंट है

असाइन uh, करते हैं uh, अगर हमारे पास फर्ज करें दो ग्रुप्स हैं एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं तो दोनों ग्रुप को इक्वेलेंट ग्रुप बनाने के लिए यानी स्टडी शुरू होने से पहले हमारी हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो दोनों ग्रुप हर तरह से एक जैसे हों उसके लिए हम रैंडम असाइनमेंट या जिसको हम रैंडमाइजेशन कहते हैं वो यूज़ करते हैं फिर इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर हम इसको मैनिपुलेट uh, करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर ऐसे वेरिएबल जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स कहलाते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर जो है कुछ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ऐसे भी होते हैं जो सब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं जिनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते लेकिन उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग वेरिएशन होती है वो हम ऑब्जर्व करते हैं जैसे जेंडर है जैसे इनकम है जैसे बैकग्राउंड है किसी का रूरल है या अर्बन है सो so, हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर वेरिएबल दो तरह के होते हैं मैनिपुलेटेड वन

आउटकम uh, वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैयर करते हैं कि क्या चेंज आई है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इट इज इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो भी चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में आती है वो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आती है कंट्रोल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ एक्सपे पार्टिसिपेंट्स नॉट एक्सपोज टू दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दूसरे अफाज में अब ये कह सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनको इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता Uh, the purpose of uh, ab objective kewata, why we have a control group द परपज ऑफ़ दंट्रोल ग्रुप इज टू प्रोवाइड अगेंस्ट विच द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कैन भी कंपेयर तो चूंकि हम जो एक्स कंट्रोल ग्रुप होता है इसको कंट्रोल करते हैं इसको इंटरवेंशन नहीं देते इसको ट्रीटमेंट नहीं देते तो इसको हम एज अ बेस लाइन यूज करते हैं कंपेरिजन करने के लिए हमारे पास दो इक्वेलेंट ग्रुप्स होते हैं ना जो भी हमने बात की एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है एक कंट्रोल ग्रुप होता है अब ये ग्रुप्स हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि इक्वेलेंट ग्रुप्स हो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं और और कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं देते और उसके बाद आगे जाके जो मैं बात भी करूंगा उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंट्रोल ग्रुप बेसलाइन होता है कंपैरिजन के लिए विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स और एक्सपोज्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये बुनियादी तौर पर वो अफराद होते हैं वो ग्रुप होता है जिनको हम ट्रीटमेंट देते हैं या इंटरवेंशन देते हैं फिर एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं जी एक्सट्रीनियस वेरिएबल्सर दैट कुड अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका पार्ट नहीं होते लेकिन मौजूद होते हैं स्टडी के अंदर इसलिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दे आर कंट्रोल्ड फॉर बाय रैंडमाइजेशन एंड बाय कीपिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज सिमिलर एज पॉसिबल तो हम कोशिश करते हैं कि इनको कंट्रोल करें और जो एक्सपेरिमेंट uh, की कंडीशंस है बोथ फॉर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप वी वी लाइक टू हैव देम इक्विवेलेंट इक्वल

एवरेज डिजायरेबिलिटी स्कोर ये वेरिएबल है डिजायरेबिलिटी स्कोर आप ये देखें कि आपका कोई भी वेरिएबल है तो उसकी आप उसको प्री टेस्ट करते हैं मतलब क्या है कि आप पहले डाटा कलेक्ट करते हैं बिफोर गिविंग एनी इंटरवेंशन और C1 क्या है यानी E1 का मतलब है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की पहली रीडिंग यानी प्री टेस्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और C1 क्या है प्री टेस्टिंग फ्रॉम कंट्रोल ग्रुप तो हम क्या करते हैं दोनों को प्री टेस्ट करते हैं प्री टेस्ट का मतलब क्या है कि दोनों से क्वेश्चन फिल करवा लेते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं उनके इंटरव्यूज करते हैं जो भी करते हैं हम उनसे डाटा लेते हैं उसके बाद इंटरवेंशन है ये देखें हम ट्रीटमेंट देते हैं या इंटरवेंशन देते हैं यहां पे आप देखें इंटरवेंशन है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन दी गई है और यहां पे जो कंट्रोल ग्रुप है उसको बेस रखने के लिए कंपेरिजन के लिए हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दी और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम दोनों से वो जो फर्ज करें डेटा हमने पहले लिया था सर्वे फिल करवाया था सेम सर्वे हम दोनों से बाद में फिल करवाते हैं जिसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं तो आप देखिए मतलब है रीडिंग टू फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और सी टू का मतलब है रीडिंग ट्रू फ्रॉम फ्रॉम कंट्रोल ग्रुप जिसको हम पोस्ट uh, टेस्टिंग uh, भी कहते हैं या पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं ये टी टू हो गया अब जब हम चेंज मैयर करना चाहते हैं ये देखिएगा तो ई uh, चेंज e का क्या मतलब है चेंज इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है ई टू माइनस ई वन तो जितनी चेंज यहाँ पे आई है डेफिनेटली अगर हमने इंटरवेंशन की है फर्ज करें हमने हम इफेक्ट ऑफ वायलेंट मूवीज ऑन द बिहेवियर ऑफ यूथ चेक करना चाहते हैं तो अगर हमने एक ग्रुप को हम यूथ के दो ग्रुप बना लेते हैं एक ग्रुप को हम वायलेंड मूवी दिखाते हैं को नहीं दिखाते हैं, तो तो डेफिनेटली 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 ये ये बात बात है है कि जिस ग्रुप को वायलेंट मूवी दिखाएंगे उनके बिहेवियर में चेंज 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 आएगी आएगी वो 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 की अमाउंट कितनी होगी ये और बात है, लेकिन वो आएगी, तो वो ऐसे करते हैं E2 और जो है, कंट्रोल तो मतलब तो मतलब कोई कोई ग्रुप equal to आई सी टू शुड बी इक्वल टू सी वन और जीरो के बराबर होनी चाहिए तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किस तरह हम इसका जो एनालिसिस है वो करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये देखें जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप है फर्ज करें जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मीन स्कोर जो है यानी आपके पास फर्ज करें पचास लोग हैं साठ लोग हैं उनका जो मीन स्कोर है वो पचास बनता है इसको हमें ई वन कहते हैं यानी प्री टेस्टिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से हम डाटा इंटरवेंशन uh, से पहले लेते हैं और फर्ज करें उसका मीन पचास आया इसी तरह जो कंट्रोल ग्रुप है सी uh, वन का मतलब है प्री टेस्टिंग फ्रॉम द कंट्रोल ग्रुप उसका मीन भी पचास है इसका मतलब क्या है वो ये दोनों पचास क्यों है क्योंकि ये दोनों ग्रुप इक्वेलेंट हैं बराबर हैं तो आप देखें दोनों का जो मीन स्कोर है बिफोर इंटरवेंशन वो पचास पचास है उसके बाद हम क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं और कंट्रोल ग्रुप को कोई इंटरवेंशन नहीं देते उसके बाद आप देखें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जब हम डेटा दोबारा लेते हैं इंटरवेंशन के बाद जिसको हम प्री टेस्टिंग, पोस्ट टेस्टिंग कहते हैं टाइम टी टू तो आप देखें मीन स्कोर 75 है, यहाँ पे ये 50 था यहाँ पे 25 का इजाफा हुआ तो ये 75 हो गया और यहाँ पे देखें साठ यानी दस का फर्क पड़ा है फर्क पड़ा है लेकिन इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे पड़ा है तो आप देखें चेंज निकालने के लिए अगर जब हम यहाँ से चेंज निकालेंगे यानी चेंज इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है तो वो आप देखें ई चेंज यानी ई स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंटल सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टी ट्वेंटी फाइव और सी चेंज सी स्टैंड फॉर द कंट्रोल ग्रुप सिक्सटी माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू टेन सो लुक एट दैट दिस

आप उनका दोबारा उनसे डेटा लेते हैं इंटरवेंशन के बाद तो हम ये देखते हैं कि जो चेंज आती है बड़ी वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आती है क्योंकि कंट्रोल ग्रुप जो है वो एस बेस काम करता है तो वीकनेस ऑफ क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जी अब थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी यानी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ्स क्या है क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वीकनेसेस इंक्लूडिंग लिमिटेड इन एक्सटर्नल वैलिडिटी क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर ऑफन कंडक्टेड इन हाईली कंट्रोल लेबॉटरी सेटिंग्स विच में लिमिट द दर्नलाइजिलिटी ऑफ़ द फाइंडिंग टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन चूंकि और दूसरी बात यह कि चूंकि सैंपल साइज छोटा होता है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर स्पेशली इन क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड दे आर कंडक्टेड इन लेबोर्ट्री सिचुएशन आर नॉट इबल सो जर्नलाइजबिलिटी को हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की एज ए होल जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो इतनी पीरियर नहीं होती कंपेयर टू दी अदर डिजाइन पार्टिसिपेंट इन दीज स्टडीज आर टिपिकली सिलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक पॉपुलशन एंड मे नॉट रिप्रजेंट दस ऑफ पीपल फाउंड इन ब्रॉडर पॉपुलेशन चूंकि साम्पल जो होता है वो जो ब्रॉडर पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हम रिजल्ट को जनरलाइज कर सकें उनकी जनरलाइजेबिलिटी की तरफ जा सकें एंड द लिमिटेड एकोलॉजिकल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर कंडक्टेड इन हाईली कंट्रोल लेबॉरटरी सेटिंग्स एंड मे निकोरेटली रिफ्लेक्ट दम्पलेक्सटी एंड uh, मतलब वेरेबिलिटी तो, uh, जैसे आम लोग uh, आम लाइफ के अंदर कोई कैंटीन पर बैठा है कोई ऑफिस uh, में बैठा है कोई ट्रेवल कर रहा है या इवन कोई क्लास के अंदर बैठा है तो वो रियल लाइफ सिचुएशन है लेकिन जब लेबॉर्ट्री में लोगों को लेकर जाते हैं उनपे एक्सपेरिमेंट कर

देन रैंडमाइजेशन हम पहले इस पे बात कर सकते कर चुके हैं क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफर ऑफन इनकॉर्पोरेट रैंडमाइजेशन विच हेल्प टू इंश्योर दैट द ग्रुप्स बीइंग स्टडीड आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर वेरिएबल बीइंग टेस्टेड तो हमें ये इंश्योर करते हैं कि वेरिएबल uh, जो uh, हमारे ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है स्पेशली एंड कंट्रोल ग्रुप वो हर लिहाज से एक जैसे हूँ ऑलमोस्ट दिस द दाइटलीहुडिटी ऑफ एंड द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट और जब ग्रुप एक जैसे होंगे तो फिर जो चेंज आएगी वो बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन आएगी या ट्रीटमेंट आएगी इसलिए जो बाइस होता है कोई रिसर्चर बाइस वो कम होता है और जो रिजल्ट की वैलिडिटी है वो बहुत अच्छी होती है एक्सपेरिमेंटल और स्पेशली क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर काजुअलिटी Classic experimental designer offer considered

Uh, if you are interested to learn more about uh, classical experimental design so you can uh, you can read these uh, classic texts investigating communication and introduction to research methods this is a very good text uh, uh, in the context of communication uh, or media studies or mass communication, and then the base book uh, research design and social research. This book is useful for all kind of students who come from social sciences, either from psychology, political science, education. Uh, I mean English or Islamic studies or even media studies or mass communication. So especially this is one of the classic text on research designs. Uh, I mean in all kind of uh, uh, disciplines, either they are uh, science disciplines or uh, humanities and social sciences, but particularly this is useful for humanities and social uh, science, uh, research students. This is all from today. Keep tuned.